हम जिस साइड जाते हैं पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो आपकी नाम की प्रजा है, आपके नाम की जय जयकार कर रहे मालिक, दूध भात खा रही अमनो अमन और चमनो, ऐसा ही होना चाहिए। जय हो। महाराज, क्या बात उस दिन आप हम दोनों पर बहुत नाराज और खपा हो रहे होते, लेकिन आज हम दोनों ने आपके राज में दो अपराधी पकड़े हैं। महाराज, क्या कहा, दो अपराधी? हाँ राजन, जो आपके राज में अपराध करते हैं। अगर आप ये जानत हो तुने तत्काल राज दरबार में पेश किया जाए। तत्काल पेश किया जाए। फैजाबादी, पहला अपराधी राज दरबार में महाराज के सामने तत्काल पेश किया जाए। महामंत्री राजनाम सिंह, तुम जानते हो कि कुंवर अपनी माँ की याद में अपनी याददाश्त को बैठा है। इस पागल इंसान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इसके हाथों में अंगड़ी डालकर रात दरबार में लाए हो? क्या कहे महाराज, क्योंकि ये आपका बेटा है। महाराज, इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इसका गवाह और सबूत हमारे लोगों के पास है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे भी तत्काल रात दरबार में पेश किया जाए। तत्काल पेश किया जाए। फैजाबादी जी हजूर, दूसरा अपराधी भी राज दरबार में महाराज के सामने तत्काल पेश किया जाए। हरी मोरी मैया, इसे कहते हैं पैसों का कमाल। पैसा फेंको तमाशा देखो। हे महाराज, मैं सुनती थी कि आपके राज में कोई लड़का किसी लड़की की इज्जत को लूट लेता है तो इसको सजाए मौत देते हैं आप। हाँ बेटी, तुमने सही सुना है। हमारे राज्य में अगर कोई चोर चोरी करता है उसके दोनों हाथ कटवा लिए जाते हैं। अगर कोई किसी का कत्ल करता है उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अगर कोई लड़का या कोई इंसान किसी औरत लड़की के साथ बलात्कार करता है उसे चौराहे पर खड़ा करवा कर हम गोलियों से उड़वा देते हैं। बोलो, तुम्हारी क्या फरियाद है बेटी? महाराज, मैं आपके पास न्याय मांगने आई हूँ, मेरी बात को सुनिए। तो मेरे इंसाफ करिए, हर महाराज की मेरी इज्जत से खेला है पागल, हर मोती राजन, आपके पागल राजकुमार ने मेरी इज्जत को लूट लिया है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। मैं न्याय मांगने आई हूँ आपके दरबार में।
हाँ बेटी, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस दरबार में जो कोई आया है उसको हमारे बुजुर्गों ने न्याय दिया है और हम भी न्याय देंगे। या प्रभु, जब से धर्मपत्नी का देहांत हो गया इस बच्चे को देखकर मैं जी रहा था। ऐ ऊपर वाले, ऐसे असमंजस में डाल दिया है प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कैसा फैसला। अकल न करती काम है और न्याय सच्चा ना करूं, ये प्रजा करे बदनाम। न्याय सच्चा अगर करूं खुल का दीपक बुझ जाएगा, और न्याय सच्चा ना करूं धर्म मेरा लुट जाएगा। ऐ मेरे प्रभु, ऐ परम पिता, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। बेटी, हाँ महाराज, मेरे दो वचन हैं, उनको सुनकर हमें उत्तर देना, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा न्याय करूंगा। बेटी, राजन, कौन से आपके प्रश्न हैं, पेश कीजिए, अगर मेरे समय में होगा मैं उत्तर जरूर दूंगी। आज तक हाँ ये सर सिर्फ शंकर भगवान के आगे झुका है और कभी किसी के सामने झुका नहीं है बेटी, लेकिन आज मेरी मजबूरी है, मैं तुझे दो वचन सुनाता हूँ, सुन और कर समझ कर हमें उत्तर देना। जोड़ कर महाराज, बहुत अच्छा इंसाफ है आपके राज दरबार का। कहते हैं दुनिया की अमूल दौलत है कि इज्जत होती है, औलाद खो जाता है वापस आ जाता है, धन दौलत चली जाती है वापस आ जाती है, लेकिन किसी की इज्जत चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती। महाराज, एक अमला की इज्जत लूट ली जाए और हाथ जोड़ कर माफी मांग लिया जाए, इंसाफ हो गया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। सारा सिंह, अभी मेरा दूसरा प्रश्न बाकी है, उसके बाद बोल सकती हो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, इंसाफ चाहिए इंसाफ। बेटी, मेरा दूसरा सवाल है, उसे सुनकर समझकर सोचकर ठीक है मुझे उत्तर देना बेटी। अच्छी बात है, सुनाइए। बात माना करके
इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। अगर तुम चाहो तो हम इस गुनाह के बदले इसे चौराहे पर खड़ा करवा कर गोलियों से उड़वा दूंगा। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, न्याय सबके लिए है। और बेटी दूसरा सवाल है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी इसके साथ कर देते हैं और तुम इस राजमहल की महारानी बन जाओगी। इस गली से गुजरोगी ये जनता तुम्हें देखकर सर झुकाएगी, तुम्हारे नाम की जय जयकार करेगी, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। सोच समझकर हमें 2 मिनट में उत्तर चाहिए बेटी। क्या सोच रही है सेरा सिंह? कुछ नहीं, 3 लाख रुपया दिया है मैंने तेरे को। हाँ दिया है। और शादी करना तो मैं खुद जिंदा हूँ, मंत्री उदय प्रताप खुद जिंदा हूँ। एक बात और सोच रही चंपा, अगर राजपाट के लालच में ये बैलनत शादी करे और यही के संगत में गई तो तोरे जितने लड़का पैदा हुए सब बैलान पैदा हुए। सेरा सिंह क्या बात है? ओ चंपा को समझा रहे महाराज। सेरा सिंह मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी। अरे मुझे पूर्ण विश्वास है चंपा, और किसी के साथ नहीं करूंगी। पूर्ण विश्वास तो मेरी बातों को भी इनकार नहीं करेगी। ठीक ठीक न कर दे 1 लाख और मेरी तरफ से। न करने जाती हूँ। हे भगवान, महाराज ने बहुत अच्छा न्याय किया मेरे साथ में। उन्होंने कहा कि बेटी मेरे राजकुमार ने आपकी इज्जत को लूट लिया है तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ कर दे रहा हूँ। काश मेरी शादी राजकुमार के साथ हो गई तो मैं एक रंडी नहीं, बेशिया नहीं, तवायफ नहीं, कोठेवाली नहीं, मैं एक राजरानी हो जाऊंगी। ये जमीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, हमारे नाम की जय जयकार होगी। इसलिए मैं क्यों नहीं राजकुमार के साथ शादी कर लूँ। महाराज मेरी बात को सुनिए। बोलो बेटी क्या कहना चाहती हो? तो आपकी बात से मैंने इनकार हूँ। मेरी किसी मत में तो कुछ मंत्री उदय प्रताप सिंह, हमारा न्याय कैसा रहा? राजन खता माफ हो, छोटा मो बड़ी बात। मैं मानता हूं कि राजकुमार कुमार सिंह पागल है। पागल है तो
क्या हुआ, लेकिन अपनी माँ की याद में पागल है। और है तो राजकुमार, एक राजा महाराजा की औलाद, और एक राजा महाराजा की औलाद, उसकी शादी एक तलायत के साथ एक दिन बहलाने वाली रंडी कोठे पर रहने वाली मुजरे करने वाली के साथ किया जाए, उसमें खुशी पूछा जाए, तो उदय प्रताप सिंह को कोई खुशी नहीं है राजन, कोई खुशी नहीं। आए महामंत्री, अभी तक वो बेशा थी, अभी तक वो कोठे वाली थी, लेकिन अब उसको हमने अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। अगर दोबारा ये नाम जुबान पर आया तो जुबान कटवा के शिकारी कुत्तों को खिलवा दूंगा। निकल जाओ राज दरबार से, ऐसे महामंत्री की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी आज्ञा दान देर सम्राट, हर मंत्री का महाकर्तव्य होता है कि महाराज के हुक्म का पालन करना, तो हम आपके हुक्म अनुसार इसी वक्त राज दरबार से जा रहे हैं। जी महाराज, अभी थोड़ी देर बाद हमारे बेटे की शादी होने वाली है, इस शादी में तुम्हें खुशी है या गम है? हमको तो बहुत खुशी। हमको मालूम था कि हमारा शेरा सिंह हमारी तरफ ही बात करेगा। हमका खुशी का ठिकाने नहीं, जैसे इनका खुशी है। लेकिन शेरा सिंह, लेकिन परंतु ना होता तो महाभारत ना होती, ये शब्द बड़े कठोर होते हैं। महाराज, मैं मानता हूँ राजकुमार पागल है, हाँ तो एक राजकुमार, लेकिन एक राजकुमार की शादी एक दो टके की औरत गंदी नाल का कीड़ा कोठे पर रहने वाली चंपा वैश्य के साथ, नहीं महाराज नहीं। शेरा सिंह, शायद तुमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, औरत की कोई जात नहीं होती, आदमी की जात होती, वो जिस जात में ब्याह दी जाती है उस पुरुष के साथ उसकी शादी हो जाने पर उसी जात में बदल जाती है। और रह गई, अभी तक वो गन्नी डाली का कीड़ा थी, अभी तक वो बेश्या थी, अब उसे हमने अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। अगर दोबारा जवान बन ये नाम आया तो सर कटवा के शिकारी कुत्तों को खिलवा दूंगा। कुत्ता की बाप हो महाराज, निकल जाओ दरबार से। निकल जाऊंगा महाराज, इसी वक्त निकल जाऊंगा। यू कैन गो। अहमदाबादी और फैजाबादी, राजकुमार की हथकड़ी खोल दी जाए जी। और दो जयमाल लाए जाए, हमरा दरबार में इसी वक्त अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। क्यों नहीं हजूर भैया, इलाहाबादी। हाँ भैया फैजाबादी, जाकर के दो यानी कि माला लेके आओ। ठीक भैया, जयमाल आए। ठीक ठीक जा रहे। हाँ जाकर के तुरंत लेके आओ। हेलो, और ये आ गए भाई दुल्हा के पिताजी, दुल्हा के भाई पिताजी, घर मालिक। इस सीन के देखते हैं 10 रुपया दे रहे पार्टी की तरफ। धन्यवाद। हथकड़ी खोल दो। अब तुम्हार हथकड़ी खोल दें, अब तुम्हार ब्याह हो जा रहा है, अब तुम्हार बैलप्पन बड़ी दूर चला जाए। एक जयमाल बेटी को दे दो और एक कुंवर को दे दो और समझा दो उसे कैसे क्या करना है। ए भैया, अरे तनिका नीकी तना रहा यार, ना तो मेहरियो समझे कि एकदम लुल्ला है, बार बार किंचा तनिका टिमिया आली हो यार। ले एक तुम ले और एक उनका बिटिया को दे दीना, या जयमाल ले जाए के सुनो।
ठीक से खड़ा हो यार महेंद्री, आओ ना तू तो यार माँ दिमाग खट्ट कर रहा है। ले जयमाल पकड़ो, ई जयमाल ले जाए। अरे जाने कान के महाकत भाई, या जयमाल ले जाए के चुप्पे इनके गले में डाल दे। इनके का हमारे डर बे हसु यार। भगवान कहां यहां बैलना से हमका पाला परा दे मालिक, या तो चार बैलुआया तुअर बहुत हमें लागे सवेरे तक एकदम मई से बैलुआई दे या। न्याओ, इका ले जाओ ठीक से नीकी तना ले जाए कि उनके गले में इसे छोड़ दे। अब तुम हाँ यार अब कुछ समझा पाए। बोलो शंकर भगवान की। खुश रहो बच्चों, फूलो फलो आवाज रहो। अबे हनुमान माता की, हनुमान जाओ बच्चों, जाओ बच्चों हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, जाओ आसमान छो। आता आसमान नहीं पाताल छुए, अरे आयुष्मान कहा जाता है यानी उम्र बढ़े। बेटी ये तुम्हारा शौहर यानी तुम्हारा पति पैदाइशी पागल नहीं है। जब इसकी माँ का देहांत हो गया तो लोग उसे बांध कर ले जाने लगे, ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और जब इसे अपनी याददाश्त खो बैठा है। ये पागल की तरह घूम रहा है बेटी, मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई इलाज में सफलता नहीं मिली। आज तुम मिल गई हो बेटी, इस हिंदुस्तान की बेटी हो, अपने इस भारतवर्ष में एक से एक महान नारियां हुई हैं। अपने सत के द्वारा सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से जबरदस्ती छीन लिया था। माता सती अनुसुईया ने अपने सत के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे मुन्ने बच्चे बनाकर भोजन कराया था। तुम्हें उद्देश्य की बेटी हो, अपने इस पति को समझा बुझा कर सही रास्ते पर लाकर इस तख्त और ताज का वारिस बनाओ। बेटी आज हम तुम्हें बहुत कीमती चीज देने जा रहे हैं बेटी, जिसका नाम है शाही खजाने का नक्शा। ये नक्शा हमारे पिताजी ने हमारी महारानी को दिया था और आज हम तुम्हें वो नक्शे को लाकर दे रहे हैं। बेटी ये नक्शा है शाही खजाने का। इस नक्शे में अगर कोई किसी प्रकार की कमी तुम्हारे राज्य में आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो इस नक्शे के द्वारा खजाने तक पहुंच सकती हो और पन्ना पुखराज हीरा जवाहरात सोना चांदी निकाल कर अपनी प्रजा की सेवा में लगा सकती हो। इसे संभाल कर रखना बेटी, और हम तुम्हें वचन देते हैं इस नक्शे को अपने पास रखना, अपने प्राणों से ज्यादा इसे प्यार करना और किसी के हाथ में बेटी मत देना। ठीक है, आपके वचनों का मैं पालन करूंगी। फैजाबादी बच्चों का कमरा सजा दिया? हाँ सजा दो, किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। चलो चलो तुम्हार कमरा सजा दे रहे हैं और हुई गुब्बारा उब्बारा सगरो बांध देव, आवाज की रात कुछ करे न सिर्फ गुब्बारे फोरे हो।
लड्डू सेड्डू हम को धरे रहे काठोर यार। स्वामी जी, स्वामी जी इधर आओ, ठीक तो हो ना? है क्या बात है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? खाना खाओगे? भूख लगनी है क्या? पानी पियोगे? स्वामी जी मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ और आप हमारे धर्मपति हैं। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ? अच्छा, ओह इतना प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। स्वामी जी मैं आपकी माँ की ममता तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक औरत का प्यार भरपूर दूंगी। इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि आप अपनी माँ की ममता को भूल जाएंगे। स्वामी मैं वादा करती हूँ कि जिस जगह पर आपका पसीना गिरेगा मैं अपना खून बहा दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। और एक प्यार कनकमा मौजूद जिंदगी आ